हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूँ शुभम, आप देख रहे हैं केएस टीवी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप सभी के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने नया फोन लिया, उसमें एप्लीकेशंस डाले, वीडियोस डाले, फाइल्स डाली और आपका फोन बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे से यूज हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के यूज के बाद आपने कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, आपने फोन का स्टोरेज में कुछ भी नहीं डाला, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपका फोन का स्टोरेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पता नहीं कैसे पर आपके फोन का स्टोरेज धीरे धीरे कम हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका फोन अलार्म देने लगेगा कि स्टोरेज फुल हो गई है। और ऐसे टाइम पर आपका फोन प्रोसेस करना भी बहुत स्लो कर देता है, फोन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा फोन पुराना हो गया है, इसके लिए इसकी स्पीड कम हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके फोन की स्टोरेज फुल होने लगती है तो डेफिनेटली आपका फोन की प्रोसेसिंग पर इफेक्ट होगा और आपका फोन धीरे काम करेगा। लेकिन ऐसा सब क्यों, नया एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहे फिर भी फोन की स्टोरेज क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, आपके कई सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं आज इस वीडियो में। आपने सुना होगा आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा आपके फोन की स्टोरेज में भर जाता है। भले ही आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हो 50 MB की, लेकिन उस एप्लीकेशन का डेटा 150 MB का हो सकता है। उस ऐप के डबल या ट्रिपल भी वो डेटा ले सकता है एप्लीकेशन आपके फोन पर, और साथ ही साथ कैश डेटा भी स्टोर हो जाता है आपके फोन पर इसी एप्लीकेशन का। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इन सारों में से मुझे क्या क्या डिलीट करना चाहिए ताकि मेरे फोन की स्टोरेज एम्प्टी हो जाए और मेरा फोन भी फास्ट काम करने लगे। तो बस आज इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। हम बात करने वाले हैं आपके फोन में कैश डेटा क्या होता है, एप्लीकेशन का डेटा क्या होता है और कैसे आप आपके फोन में इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर बाकी की जो अनवांटेड चीजें उनको डिलीट करके आपके फोन का स्टोरेज एम्प्टी कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डेटा क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी चीजें डिलीट करनी चाहिए एप्लीकेशन से रिलेटेड। सबसे पहली बात दोस्तों, कैश डेटा कोई बुरी चीज नहीं है। ये चीज दिमाग में से निकाल दो कि कैश डेटा आ गया मतलब मेरे फोन का स्टोरेज भर जाएगा, ये अच्छी चीज नहीं है। कैश डेटा एक बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि कैश डेटा में क्या इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, तो वो सारा डेटा जो भी हम यूज कर रहे हैं, जब भी हम एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करें तो फिर एप्लीकेशन अपने कैश डेटा जो अपने फोन पर स्टोर करके रखा है वो लेकर तुरंत जल्द से जल्द प्रोसेस करके हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट कर दे, ताकि प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम ना जाए, हर बार फिर से लोड करना ना पड़े एप्लीकेशन, इसीलिए कैश डेटा यूज होता है। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर करके रखता है, ताकि फट से आप वहीं पर आ जाओ जहां पर आप पिछली बार छोड़ कर गए थे। तो ये तो हो गया कैश डेटा, और कैश डेटा का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि आपके फोन में कैश डेटा बहुत ही कम होता है। इसे आप ना भी डिलीट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। असल प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन डेटा, यानी कि आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन थोड़े दिनों बाद या महीनों बाद अपना डेटा धीरे धीरे जमा करने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल का ऐप हो गया, गूगल के ऐप हो गया, उसमें आप अकाउंट लॉग इन करते हो और बहुत सारे अलग अलग चीजें सर्च करते हो इंटरनेट पे, तो ये सारी चीजें स्टोर होती जाती है धीरे धीरे। और अगर आप डिलीट नहीं करते हो तो 500 MB, 600 MB ऐसा बहुत सारा डेटा गूगल में जमा हो जाता है। और सिर्फ गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चाहे हो गया फेसबुक मैसेंजर, ये सारे बड़े बड़े एप्लीकेशन में ऐसे डेटा स्टोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे फोन का स्टोरेज फुल हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ इन सिचुएशन में दोस्तों, ऐसे जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है उनका डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके लिए बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, सी क्लीनर, ऐसे क्लीनर बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन आप बिना कोई एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड किए भी डिलीट कर सकते हो डेटा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके एप्लीकेशन का डेटा देखना है, कैसे देखना है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। फट से सेटिंग्स में आपको जाना है आपके फ़ोन के, और हर फोन में ऑप्शन होता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट का, इसमें आप जाओ और इसमें कोई भी एक एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ फेसबुक मेरे फ़ोन पर कितना डेटा खा रहा है। अगर मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टोरेज यूसेज
507 MB का डेटा फेसबुक का एप्लीकेशन मेरे फ़ोन पर खा रहा है। अभी मैं अगर इस पर भी क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन कितने MB का है, 152 MB का एक्चुअल में एप्लीकेशन है, मतलब ये ऐप सिर्फ 150 MB का है, लेकिन डेटा 355 MB। देख रहे हो आप, एप्लीकेशन से डबल का डेटा एप्लीकेशन खा रहा है मेरे फ़ोन पर, और कैच डेटा 16 MB का है इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर अगर आपको डिलीट करना है तो इसको आप डिलीट करके यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन एकदम नए से, फिर से सिर्फ लॉगिन करना है तो भी ये एप्लीकेशन अच्छे से चलेगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से एप्लीकेशन में से डेटा डिलीट करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि आप किसी एप्लीकेशन को नया डाउनलोड करते हो तो वो पूरा नया इंटरफेस देगा, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और फिर से पूरा रिफ्रेश होता है एप्लीकेशन। उसी तरह अगर आप किसी एप्लीकेशन का डेटा डिलीट कर देते हो तो अगर आपने उस एप्लीकेशन में लॉगिन किया है सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, चाहे वो उस एप्लीकेशन में आपने कुछ बुकमार्क्स या हिस्ट्री कुछ सेव करके रखा है सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी अगर आपने डेटा डिलीट कर दिया। तो ये सोच समझ कर डिलीट करना। मेरे सिनेरियो में तो मैं ऐसे ही करता हूँ, कुछ दिनों बाद गूगल का जो डेटा होता है वो डिलीट कर देता हूँ, गूगल के जो अकाउंट्स हैं मेरे मैं वापस साइन इन कर लेता हूँ और मैं कोई हिस्ट्री या बुकमार्क भी सेव नहीं करके रखता। तो इसी के लिए मैं गूगल का डेटा डिलीट कर देता हूँ, फेसबुक का भी मैं कई बार डेटा डिलीट कर देता हूँ। उसमें क्या है, आप फिर से साइन अप कर सकते हो एप्लीकेशन में, लॉगिन करके फिर से अपना अकाउंट यूज कर सकते हो, तो उसके लिए डेटा क्यों स्टोर करके रखना। तो ऐसे सारे बड़े बड़े एप्लीकेशन में से आप डेटा डिलीट कर सकते हो जहां पर आपको हिस्ट्री सेव करके नहीं रखना है। लेकिन बात आती है कोई गेम है जिसमें आप प्रोग्रेस मोड पर हो तो उसका डेटा डिलीट मत करना, ऐसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसका आपको काम है उसका डेटा बिल्कुल डिलीट मत करना, वरना वो सारी चीजें डिलीट कर देगा और एक नए एप्लीकेशन की तरह उस फोन में आपको दिखेगा वो एप्लीकेशन। तो बस यही था आपके फोन में स्टोरेज को कैसे एम्प्टी कर सकते हो, और अगर आपके फोन का स्टोरेज हेल्दी है, जगह है अच्छे से, तो फोन का प्रोसेसिंग भी अच्छे से होगा। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, KSTV आइकन पे क्लिक करके हम वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे जरूर से, और तब तक के लिए देखते रहिए KSTV।